नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार सरकार ने एक तरफ जहां 90,000 से अधिक नए शिक्षकों के नियोजन की तरफ कदम बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के लगभग 1,00,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों की नौकरी को लेकर भी सख्त हो गई है। राज्य में साल 2006 से 2015 के बीच में नियोजित हुए इन शिक्षकों ने अपने प्रमाण पत्रों को साझा नहीं किया है। शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के साथ साथ उनके वेतन की भी वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के मूड में है। दरअसल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के मामले में सख्ती बरती है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षक अपना प्रमाण पत्र खुद पोर्टल पर अपलोड करें, लेकिन अब तक 1,00,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया है। प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को लेकर विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा करीब 1,03,000 शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी जिनके प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो पाई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला, प्रखंड एवं नियोजन इकाई के स्तर पर शिक्षकों की सूची अपलोड की जाएगी। साथ ही साथ इन सभी को एक तय सीमा के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्र और नियोजित पत्र को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। अगर शिक्षकों ने यह काम नहीं किया तो उनकी सेवा समाप्त करने और साथ ही साथ वेतन वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के मुताबिक विभाग जल्द ही पोर्टल को लॉन्च करेगा और उसके बाद प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने की तारीख भी जारी की जाएगी। विभाग में इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के बारे में माना जाएगा कि उनकी नियुक्ति अवैध है और ऐसे शिक्षकों को अपनी नियुक्ति की वैधता के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को दी जाएगी और बाद में नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछकर उनकी सेवा समाप्त करने और पूर्व में हुए वेतन भुगतान की राशि वसूल करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले से ऐसे नियोजित शिक्षकों के बीच हड़कंप है जिन्होंने किसी तरह नियोजन प्रक्रिया में गड़बड़ी के जरिए नौकरी हासिल की है। आपको बता दें कि बिहार में कई शिक्षक फर्जीवाड़ा करके नौकरी कर रहे हैं। हाल ही में सिवान जिला स्थित भगवानपुर हाट प्रखंड के शंकरपुर पंचायत का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक शिक्षक ने एक ही पंचायत के दो अलग अलग बहाली प्रक्रिया में दो तरह का नंबर पेश किया था। इस मामले में जिला के अधिकारी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। बताते चले कि वर्ष 2015 में निगरानी विभाग को शिक्षक नियोजन में चयनित शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस तरह 5 साल से अधिक दिनों से यह जांच चल रहा है। सभी शिक्षकों के एक एक प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालयों के माध्यम से कराई जा रही है। इसके लिए बिहार सहित दूसरे राज्यों के बोर्ड व विश्वविद्यालयों से भी संपर्क किया जा रहा है। निगरानी विभाग को जांच के दौरान अब तक 1,132 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं। इस मामले में 419 प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। निगरानी का कहना है कि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने से इसमें देरी हो रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।